लॉकडाउन के दौरान मंगलवार तक ई पास बनवाने के लिए कुल 20,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके संबंध में एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पास बनवाने में कंबाइन से फसल कटाई, मेडिकल इमरजेंसी, गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें आवश्यकता के अनुसार पास जारी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने कहा, ऑनलाइन के लिए हमारे जनपद में लगभग 20,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो कंबाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फसल कटाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो ऐसे सभी लोग जिनके लिए अति आवश्यक सेवा है उनको हम पास की अनुमति दे दे रहे हैं, और वो ऑनलाइन उसको प्रिंट करके और अपना जहाँ पे भी गंतव्य पे आवागमन करना चाहते हैं वो कर रहे हैं।